हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ ये शिमरी ग्लॉसी मेकअप लुक। अगर आपको भी है इंटरेस्ट मेकअप सीखने में तो बने रहिए मेरे साथ। मेरी इस वीडियो में दिखाती हूँ कैसे क्रिएट किया है मैंने ये मेकअप लुक। सबसे पहले कर लेना है हाईलाइट अपनी आईब्रो को। आईब्रो को अच्छे से हाईलाइट करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क आई मेकअप है। इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए आपकी आईब्रो को थोड़ा सा डार्क कलर में होना ज़रूरी है। आईब्रो हो चुकी हैं कंप्लीट और अपने आईब्रो को नीट एंड फिनिशिंग लुक देने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर लगा लेना है आपको ऑल ओवर आईलेट पर। कंसीलर अगर आप अच्छे से अप्लाई करते हैं उसके बाद जो कलर्स की कंसिस्टेंसी होती है, जो कलर की इंटेंसिटी होती है, वो बहुत अच्छे से ओपन होकर के आती है। तो अगर आप अच्छे से कंसीलर अप्लाई करेंगे तो आई शेडो का लुक बहुत ही पिटी आने वाला है। तो अप्लाई कर लिया है मैंने कंसीलर एंड देन मैं ले रही हूँ हॉट पिंक कलर का आई शेडो। जी हाँ, ओवरऑल आईलिड पर अब आपको ये हॉट पिंक कलर का आई शेडो अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, ध्यान रहे कि ये ज़्यादा इधर उधर नहीं होना है। आईलिड से थोड़ा सा ऊपर की साइड आपको आई शेडो को ब्लेंड कर लेना है क्योंकि ये है पिंकिश स्मोकी आई मेकअप, तो पिंक कलर को बहुत ही अच्छे से हमें इन्हेंस करना है। एंड देन फिर मैंने ले लिया है डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो और इसको मैं लगा रही हूँ अपने आई के आउटर कॉर्नर पर। आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा वी शेप देते हुए अपने आईज को ऊपर की साइड इस आई शेडो को आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ये आई शेडो एंड देन मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर का आई शेडो। जी हाँ, ब्लैक कलर के आई शेडो के बिना तो ये लुक कंप्लीट ही नहीं होगा। इसे भी थोड़ा सा वी शेप देते हुए अपने आईज के आउटर कॉर्नर में मैं अप्लाई कर रही हूँ और इसको भी ब्लेंड कर लेना है बहुत ही अच्छे से। ध्यान रहे, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना है और आपका स्ट्रोक जो होना चाहिए वो ऊपर की साइड होना चाहिए, जिससे कलर की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से नज़र आएगी, कलर की इंटेंसिटी आपको दिखाई देगी एंड तीनों कलर जब मिक्स होकर के आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा फैबुलस लगते हैं। एंड देन मैंने मिड एरिया में लगा लिया है हॉट पिंक कलर का आई शेडो और इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने आईज के मिड एरिया में। मिड एरिया से लेकर आउटर कॉर्नर तक आपको हॉट पिंक कलर का आई शेडो अच्छे से अप्लाई करके एंड देन ब्लेंड कर लेना है काफ़ी अच्छे से। और इनर कॉर्नर में बहुत ही हल्का सा पिंक आई शेडो को आपको अप्लाई करना है एंड देन फिर इनर कॉर्नर को इन्हेंस करने के लिए मैंने ले लिया है वाइट कलर का आई शेडो और इससे मैं अपनी आईज के इनर कॉर्नर को अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा ध्यान से आपको इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब मैंने लोअर आईलेट पर भी हॉट पिंक कलर का आई शेडो अप्लाई कर लिया है। अब मैंने ले लिया है हॉट पिंक कलर का ग्लिटर। बहुत ही पिटी है ये ग्लिटर। मैंने दो ग्लिटर अप्लाई किए हैं इस आई लुक को इन्हेंस करने के लिए। एक लिया है हॉट पिंक कलर का ग्लिटर एंड दूसरा जो लिया है मैंने हल्का शिमरिश है ये रोज़ पिंक कलर का ग्लिटर है। इस आई लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये दो तरह के ग्लिटर्स को यूज़ किया है एंड अब मैं लगा रही हूँ काजल। काजल को अच्छे से अप्लाई करना है देन एक बार और आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है अपने आई शेडो को एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर को आप जितना ज़्यादा ब्रॉड करना चाहें अपनी आई लुक के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बट मुझे इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है क्योंकि मुझे ओवरऑल मेरी जो आई का शेप है उसे कंप्लीट रखना है ताकि वो जो भी मेकअप मैंने किया है वो अच्छे से नजर आए। एंड मस्कारा अप्लाई कर चुकी हूँ मैं एंड देन अब मुझे लगा लेना है फॉल्स आई लैशेस। ऑलमोस्ट मेरा ये आई लुक कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा प्रिटी एंड ब्यूटीफुल है। बहुत अच्छा नाइट पार्टी के लिए ये लुक लगेगा अगर आप इसे क्रिएट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आई मेकअप है ये। इस तरह का मेकअप आप इजीली सारे स्टेप को फॉलो करते हुए कर सकती हैं एंड देन मैंने अप्लाई कर लिया है कंसीलर क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने फेस के ऊपर फाउंडेशन अप्लाई कर चुकी थी एंड देन मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ
फेस कॉन्ट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, खास तौर पे अगर आप कर रहे हो वेस्टर्न मेकअप। वेस्टर्न मेकअप लुक के लिए फेस को अच्छे से नीचे शेप में कॉन्ट्रोल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लुक आएगा और ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगेगा, क्योंकि इंडियन स्किन टोन के ऊपर वेस्टर्न मेकअप थोड़ा सा अलग दिखता है। बट अगर आपको अपना फेस उसी शेप में कॉन्ट्रोल कर लेंगे तो वो मेकअप काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होकर के आएगा। दैट्स वाई मैंने उसी टाइप से कॉन्ट्रोलिंग की है अपने फेस की। क्योंकि ये विंटर सीज़न है, मैं कोई भी पाउडरी प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन के ऊपर, क्योंकि पाउडरी से मैट फिनिश आती है और जो कि विंटर सीज़न में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दैट्स वाई ये मैंने लिक्विड ब्लश लिया है, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स बोन के ऊपर। एंड देन अपने लुक को इन्हेंस करने के लिए ये मैंने येलोइश टाइप का थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई किया है। ये थोड़ा सा अलग हाइलाइटर है, बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी एंड हाई डेफिनेशन लुक पाने के लिए लोग इस तरह का हाइलाइटर अप्लाई किया जाता है। ये कंप्लीट हाइलाइटर नहीं है, इसको मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। ये मेरे मेकअप लुक को कंप्लीट कर रहा है, जिस टाइप का मैंने मेकअप किया है इस टाइम पे, इसको इन्हेंस करने के लिए मैंने इस तरह का हाइलाइटर अप्लाई किया है। एक्चुअली ये हाइलाइटर नहीं है, हाइलाइटर मैं सबसे लास्ट में अप्लाई करूँगी अपने फेस के ऊपर। ये सिर्फ मेरे फेस को शिमरी लुक, शाइनी लुक देने के लिए, ग्लॉसी फिनिश के लिए मैंने ये अप्लाई किया है। लिप लाइनर कंप्लीट हो चुका है एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ हॉट पिंक कलर के लिपस्टिक। हॉट पिंक कलर के लिपस्टिक मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरा आई लुक भी हॉट पिंक कलर है और इन दोनों को मैच कराने के लिए मैंने इस तरह के लिपस्टिक को यूज़ किया है। इस तरह के लिपस्टिक मेरी आई लुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेगी और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक आएगा, ख़ास तौर पे अगर आपने कुछ इसी टाइप का आउटफिट भी कैरी किया हुआ है। वैसे नाइट आउट के लिए बहुत ही प्रिटी मेकअप लुक है। एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर अपने ग्लॉसी लुक को और ज़्यादा ग्लॉसी बनाने के लिए। मैंने अप्लाई कर लिया है हाइलाइटर। हाइलाइटर से जो मेरा लुक है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होकर के आएगा। ऑलमोस्ट ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। आप खुद ही देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा प्रिटी, शिमरी एंड ग्लॉसी लग रहा है ये मेकअप। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई चैनल एंड माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय।